हेलो एंड वेलकम टू सिंपली स्वादिष्ट। मैं भारती मात्रे सिंपली स्वादिष्ट में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बनाएंगे स्पेशल चाय। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा भी सीज़न हो, कुछ भी हो, बिना चाय के तो अपना दिन ही शुरू नहीं होता। तो आज हम ऐसी चाय बनाने वाले हैं जिसके लिए हमने एक स्पेशल मसाला भी तैयार किया हुआ है। और ये हेल्दी चाय कोई भी पी सकता है, जैसे कि जो डायबिटिक हो या फिर हेल्थ कॉन्शियस हो, क्योंकि इसमें हमने शक्कर का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं ये चाय कैसे बनाते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह से सब्सक्राइब कीजिए, फिर ये बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए रेसिपीज़ के अपडेट्स मिल सके। तो मसाला चाय बनाने के लिए सबसे पहला हमें लगने वाले हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबलस्पून हरी इलायची, इसे छीलना नहीं है, ये ऐसे ही लेना है। फिर हमने लेना है 2 पीस सौंठ, मतलब सूखा हुआ अदरक, इसके 2 टुकड़े लेने हैं इस तरह से। आधा छोटा चम्मच लौंग, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, ये दोनों सिर्फ आधा आधा चम्मच लेना है, नहीं तो बहुत तीखा बन जाता है मसाला। और लेना है दालचीनी। दालचीनी हमने 3 मोटे टुकड़े लिए हुए हैं, अगर पतले हो तो आप 4 टुकड़े ले सकते हैं। चाय बनाने के लिए फिर हमने लेना है 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती, आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं, और 2 छोटे चम्मच गुड़। हमने काला गुड़ लिया है, मतलब ऑर्गेनिक गुड़, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप भी वही इस्तेमाल कीजिए। फिर हमने लेना है दूध 1.5 कप, दूध आप गाय का भी ले सकते हैं या होल का भी ले सकते हैं, ये सिर्फ हमें 1.5 कप लेना है। अभी सबसे पहले ये मसाले पूरे हमें ग्राइंड करना है, तो आप कोर्स ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। तो एक मिक्सर जार में 1 बाय 1 सारे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने डाला है हरी इलायची, फिर डाली है दालचीनी, फिर डालेंगे काले मिर्च, लौंग, और एंड में डालेंगे हम सौंठ। इन सारी चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी ये मसाले हमें ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके फाइन पाउडर कर सकते हैं या फिर आप कोर्स ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा मसाला रेडी है, ये ना ही बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर है और ना ही कोर्स है। अपना चाय मसाला तो रेडी है। जैसे मैंने कहा आपको, मसाले के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट हमने डाला है, जैसे कि हरी इलायची, हरी इलायची तो एक माउथ फ्रेशनर जैसे भी यूज़ करते हैं, डाइजेशन के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और एज़ वेल एज़ जिन्हें बहुत हिचकी आती है तो थोड़ी सी इलायची मुँह में डालने के बाद हिचकियाँ भी चली जाती है। ऐसे इलायची के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने तो बहुत कम से कम बताया है आपको। अभी ये अपना मसाला रेडी हो चुका है, तो जब भी आप चाय बनाओगे तो इस मसाले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो अभी हम चाय बनाएंगे, तो चाय बनाने के लिए एक छोटा सा पतीला रख लीजिए, आपको जितना चाय बनाना है उतना बनाइए। मैं 2 कप चाय बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया हुआ है। चाय बनाने के लिए नॉर्मली हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, पर इस चाय को बनाने के लिए मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 छोटा चम्मच गुड़, ये ऑर्गेनिक गुड़ है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप भी इसी गुड़ का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि हेल्थ वाइज ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई भी केमिकल की मिलावट नहीं होती। गुड़ के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बॉडी में अगर खून की कमी हो तो हमें ज़रूर गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ में बहुत सारा आयन होता है और आयन से ही खून बढ़ता है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच मसाला, जो चाय मसाला अभी हमने बनाया है वो हमें डालना है। मैंने 2 कप चाय के लिए 1/2 छोटा चम्मच मसाला इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मसालेदार चाय पीना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी चाय मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से उबाल आने दें, कम से कम 5 मिनट तक इसे उबालें, क्योंकि मसाले का स्वाद पूरी तरह से पानी में उतर जाए, इसलिए इतने देर तक हमें उसे उबालना है। चाय मसाले में हमने जो सौंठ का इस्तेमाल किया हुआ है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जॉइंट एक के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, और जिन्हें वेट लॉस करना हो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अभी चाय को अच्छे से उबाल आ चुकी है, अभी इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती। अभी 2 कप चाय के लिए 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती हमें इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती डालने के बाद इसे भी अच्छे से 2-3 मिनट तक धीमी आँच पर अच्छे से उबाल आने दें।
लौंग का जो हमने इस्तेमाल किया है उसके भी बहुत फ़ायदे हैं. वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, एज वेल एज जब भी दांतों का दर्द होता है वो दर्द भी रिलीफ करता है. अभी चाय उबल चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे दूध. दूध भी मैंने 1.5 कप ही लिया हुआ है, जितना पानी लिया है मैंने उतना ही दूध लिया है. अब दूध डालने के बाद इसे अच्छे से धीमी आँच पर हमें 10 मिनट तक उबालना है ताकि वो बहुत अच्छी सी गाढ़ी चाय बन जाए. मसाले में हमने जो काली मिर्च का इस्तेमाल किया है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि काली मिर्च डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और जब भी हमें सर्दी खांसी होती है हम काली मिर्च का ही काढ़ा बनाते हैं, और एज वेल एज वो मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है ताकि वज़न भी जल्दी जल्दी कम हो जाए. इसी तरह से दालचीनी के भी बहुत फ़ायदे हैं. दालचीनी कोलेस्ट्रॉल कम करती है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, एज वेल एज ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखता है. इसी तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं इन चीज़ों के. अभी चाय को बीच बीच में आप चम्मच के मदद से स्टर करते रहिए ताकि वो ओवरफ्लो ना हो जाए. अब 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए और इस तरह से रेडी हो गया है अपना मसाले वाला हेल्दी चाय. चाय जैसे कि हम कौन से भी समय पीते हैं, तो इस तरह से जब हम चाय बनाएंगे हमें इस बात का टेंशन भी नहीं होगा कि यार इसमें शक्कर है तो वज़न बढ़ जाएगा. तो बनाते रहिए इसी तरह से मसालेदार चाय. तो इस मसाले को आप एक एयरटाइट जार में या फिर कांच के बॉटल में स्टोर करके रखें. ध्यान रखें कि वो बॉटल या जार जो भी हो वो गीला ना हो, पूरी तरह से ड्राई हो. गीला हो तो आपका मसाला ख़राब हो सकता है. तो इस तरह से बनाइए मसालेदार चाय और एंजॉय कीजिए. अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.